हेलो फ्रेंड्स, जो हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ट्रेडिंग फैब का क्विकली इंट्रो दे देते हैं। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है या फिर एंजल ब्रोकिंग है। ये चारों भी डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स है, टॉप मोस्ट ब्रोकरेज फर्म्स है इंडिया के, और इसका ऑथराइज पार्टनर है ट्रेडिंग फैब। एक मेगा ऑफर है सबके लिए, अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो हमारे जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है, इक्विटी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस, इसका मेंबरशिप आपको फ्री में मिल सकता है। और एक ऑफर है जो हमारा बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, उसके लिए भी आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ये हर कोई कोर्स कर सकता है जो फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस है, जो और अपना स्टडी इम्प्रूव करना चाहता है, सबके लिए है। तो ये एक मेगा ऑफर है सभी के लिए। तो ये था ट्रेडिंग फैब के बारे में एक छोटा सा इंट्रो। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो जस्ट यहाँ से आपको क्लिक करना है अप्लाई हियर के ऊपर, तो ये विंडो ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू करना है, तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। सभी ऑनलाइन प्रोसेस है, एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। तो अकाउंट होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके और आपको प्रीमियम इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो आप इन चारों में से कोई भी एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यह था एक ट्रेडिंग फैब के बारे में छोटा सा इंट्रो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 23 नवंबर 2020, मंडे है, सुबह के 8:41 हो रहे हैं। नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते हैं। अमेरिकी बाजार फ्राइडे को देखे तो नासडैक हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुआ, 49 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स में हल्की सी तेजी देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन, रिकवरी थी। जो थर्सडे के दिन एक गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद जो बुलिशनेस है वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहा है। एशियाई मार्केट्स देखे तो एसजीएक्स निफ्टी फिर से एक बार हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, 72 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। और जापानीज इंडेक्स, वो आज छुट्टी है, वहाँ पर इंडेक्स बंद है, मार्केट बंद है जापानीज इंडेक्स। और डाउ फ्यूचर की बात करें तो 96 पॉइंट के बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से इस समय जो पॉजिटिवनेस है वो बरकरार इस वक्त देखने को मिल रहा है। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते। ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। अगर हम इसे आरएसआई के साथ कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन के पास है, 70 का लेवल, और ऊपर अभी निफ्टी इंडेक्स ने रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाया है, लेकिन ये कैसा हैंगिंग मैन जैसा कैंडल अभी वीकली चार्ट में ये बना है। अगर आप इसमें पास्ट में देखें, ये और एक एग्जाम्पल के तौर पर है, ये यहाँ पर हैंगिंग मैन जैसा कैंडलस्टिक बना था, उसके बाद ये कन्फर्मेशन वाला कैंडल बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ से करेक्शन और गहराता हुआ नज़र आता है। अभी सिर्फ यहाँ पर इसने सिग्नल दिया है कि ऐसा हो सकता है, अभी तक इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है और ना ही यहाँ पर रेड कैंडल बना है, तो वेट करना होगा। जब रेड कैंडल बनेगा तो ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा और फिर यहाँ से करेक्शन गहराता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो ये अपसाइड जबरदस्त बुल रन देख रहे हैं और स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये जबरदस्त अपसाइड स्ट्रक्चर बना हुआ है, हायर हाइज हायर लोज कंटिन्यू यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं लास्ट 4 वीक से। तो यहाँ पर ज्यादा चांसेस है कि 13,000 को निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर टच करे और फिर एक हमें यहाँ पर करेक्शन दिखाता हुआ नजर आए। लेकिन जब तक ये सिग्नल मिला है, कंफर्मेशन नहीं मिला है, कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलता तब तक यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाना काफी रिस्की साबित हो सकता है। तो ये है फिलहाल वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो फ्राइडे का हाई है यानी अराउंड 12,893 के ऊपर देखें तो क्विकली यहाँ पर एक R1 का पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है, और इसी के पास 2 दिन पहले एक स्विंग हाई बना है जहाँ से निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा के एक करेक्शन दिखाया। तो ये जो लेवल है अराउंड 12,924, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा 12,943,
ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 12,964, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये 20 EMA के बाद पिवट पॉइंट का भी सपोर्ट लेवल है, जहाँ पर इसने स्विंग लो बनाया था 3 दिन पहले। तो 12,826 को कम्प्लीटली ब्रेक होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,808, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,790, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।